हेलो फ्रेंड्स, माय नेम ज्योति शर्मा एंड टुडे वेलकम टू माय चैनल यूडी रावत। दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूँ MITV 4A के बारे में, जो कि MITV 4 के सक्सेसर हैं या प्रेडिसेसर हैं पता नहीं, बट दो नए वेरिएंट्स हैं 43 इंच और 32 इंच के मॉडल्स में। 43 इंच के प्राइस और 32 इंच के प्राइस में काफ़ी डिफरेंस है और काफ़ी अलग है, वो मैं बताऊँगा आपको इस वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, 43 इंच वाले मॉडल की बात करें तो 43 इंच का पैनल है, फुल HD का पैनल है, पैच वॉल सपोर्ट करेगा जैसे कि MITV 4 में कर रहा है, जो कि मैंने ली है। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे IR है, उसको दबा दीजिए। दोस्तों, बाकी 43 इंच वाले में मैं सजेस्ट करूँगा, अगर आपका बजट MITV 4 खरीदने लायक नहीं है, आपके पास 23,000 रुपये हैं, तो आप ज़रूर लीजिए उस टीवी को। वो बहुत ही अच्छी टीवी है और HD रेडी टीवी है 32 इंच की। वो फुल HD टीवी नहीं है, उसमें HD रेडी का पैनल है, तो मैं सजेस्ट नहीं करूँगा उसे लेने के। सिर्फ आपके पास दो ही रीज़न हो सकते हैं, या तो आपके पास वॉल पर जगह नहीं है 43 इंच की लगाने के, या फिर आपके पास पैसे नहीं है उस टीवी को खरीदने की कि 43 इंच वाली खरीद सकें, तभी 32 इंच पर जाएँ, वरना मेरे हिसाब से कोई रीज़न नहीं बनता 32 इंच की टीवी पर जाने का। तो आप यकीन नहीं मानेंगे, एक चीज़ में मैं जल रहा हूँ कि मैंने MITV 4 ले लिया, MITV 4A नहीं लिया 43 इंच वाला, क्योंकि MITV 4A में 3 USB पोर्ट हैं और ऑडियो जैक भी है। MITV 4 में ऑडियो का इतना प्रॉब्लम है 55 इंच वाली में कि उसमें आउटपुट दे ही नहीं सकते किसी भी तरीके से, HDMI आर्क ही है या फिर SPDIF है, और उसमें ऑडियो जैक दिया है, तो एक इस चीज़ से मैं जल रहा हूँ। बाकी बात करें तो बाकी सारी सुविधाएं मिल जाती हैं आपको, पैच वॉल दोनों ही टीवी में मिलेगा, 6 GHz के पैनल हैं दोनों, और 3 HDMI मिलेंगे, आप IR ब्लास्टर का सपोर्ट मिलेगा, आप सारे चैनल्स को जैसे कि मैं और वीडियो बना चुका हूँ चैनल वॉइस से चेंज कर सकते हैं, और बाकी सारे फंक्शंस मिल जाएंगे आपको। दोस्तों, फ्लिपकार्ट पर पहली सेल होने वाली है, 13 मार्च को जाके खरीद सकते हैं। कैसे खरीदना है वो भी मैंने बताया हाउ टू बाई वीडियो में, आप देख सकते हैं कैसे खरीदना है। फोन पे की इजी सी ट्रिक है, मैं गारंटी दे रहा, बट शायद आपको टीवी मिल सकती है। दोस्तों, 32 इंच वाले मॉडल के बारे में ये बता रहे हैं कि बहुत ही हल्की टीवी है, आप एक ऐसे उंगली से उठा सकते हैं, तो वैसे उसकी ज़रूरत क्या है यार, आप टीवी को हैंग ही करेंगे, आप रखेंगे कहीं, आप उंगली में उठा के घूमने तो वाले हैं नहीं, ऑब्वियसली आपको उसके फुटबॉल नहीं खेलने के, उंगली में उठा के बाहर ले जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली हल्की टीवी है, बढ़िया है, बट इसका कोई यूज़ नहीं है, इसका वो वैसे ही उन्होंने पब्लिसिटी भी बनाया है। वीडियो क्वालिटी की बात करें, पैनल की बात करें, तो हाँ, इनका फुल HD का पैनल जो 43 इंच का है वो बहुत अच्छा होगा, जिस हिसाब से मैंने इनका 75 इंच का पैनल देखा है 4K का, बहुत अच्छा पैनल है। सैमसंग की पैनल लगा रहे हैं तो अच्छी बात है, बट 32 इंच वाले पैनल की मैं गारंटी नहीं ले सकता, क्योंकि HD रेडी पैनल है 720। अगर मैं इसे पर्सनली पूछेंगे, मैं 14 या 15 हज़ार में भी नहीं खरीदूंगा उसको, तो मैं यही सजेस्ट करूंगा आप HD रेडी टीवी को ना लें, कोई और ले लें। सिर्फ पैच वॉल के लिए आप उस टीवी को ले रहे हैं तो बिल्कुल मत लीजिए यार, आप थोड़े पैसे जोड़ लीजिए 23 वाले लीजिए, लेकिन अगर आपका बजट है ही नहीं तो 2-3 हज़ार रुपये देखिए कोई और कंपनी की खरीद लीजिए। व्यू भी अपनी टीवी लॉन्च कर रहा है, बट उस टीवी को मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगा आप खरीदिए, दो रीज़न स्टार्टिंग में बता सकता हूँ। दोस्तों, बाकी ऑडियो की बात करते हैं तो ऑडियो टेरेबल ही होगी जहाँ तक मेरा अनुमान है दोनों टीवीज़ में, क्योंकि MITV 4 में जैसा कि मैं बता चुका हूँ, इतनी सारी वीडियोज़ बना चुका हूँ, बहुत ही वाहियात ऑडियो है, टेरेबल। तो बाकी बात कर सकते हैं हम इन टीवियों की, तो इन टीवियों में भी कुछ खास अच्छी होने वाली नहीं है, तो उससे कम सस्ती टीवी है और कम फीचर के साथ आने वाली है। तो देखो, ठीक है, आप 13 मार्च को खरीद लीजिए। दोस्तों, आप मेरे को कमेंट्स में बता सकते हैं आप कौन सी टीवी लेने वाले हैं। हाँ, लेकिन कमेंट्स में जाते हुए ना, एक वो काला लाइक बटन आएगा, उसको नीला जरूर दबा दिया जरूर, कैसे आपका ही चैनल है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हिट लाइक, गेट सब्सक्राइब एंड चेक आउट दिस कूल वीडियोज ऑल्सो। हो गया भाई, टाटा।